मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर नॉट रियली वटिंग एनीथिंग फ्रॉम अश दे डोंट वॉन्ट कि हम उनको खाना खिलाएं सड़क पर जाके हम उनको रेस्क्यू करें सड़क से जाके दे डोंट वॉन्ट दैट या हम गर्मी में चिड़ियों के लिए पानी रखें दिल्ली की बैलकनी में इफ़ यू डू दैट दैट्स रियली गुड बट दे डोंट वॉन्ट दैट फ्रॉम अश यू नो वोट दे वांट यू विल बी सरप्राइज Being in the human incarnation in the human body, we have absolutely no idea what's happening to other species. Why the corona? I'll not go into the details of that, but just to give you some sense of what's happening on earth around us. Thankfully, now there are people on earth. Who are capable enough to speak to other species scientifically? This was an old Vidya from this land, which again we missed it because of our race and modernization. But there are still some people across the world who are able to speak to other species of animals, not just with human animals. और उनके कुछ वार्तालाप जो बहुत फैक्चुअली प्रूव हो चुके हैं सो फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव अ डॉग एज अ पेट एंड लेट्स ए आम एन एनिमल कम्युनिकेटर आई डो नॉट नो एनी बैकग्राउंड ऑफ दैट डॉग आई विल स्पीक टू द डॉग एंड देन डॉग विल टेल मी डिटेल्स अबाउट कि कैसे वो पैदा हुआ और कैसे पेट सेलर ने उसको ले लिया अपनी माँ से और बेच दिया मार्केट में और उस वजह से ही इज़ ब्रूज्ड इन साइड एंड ही इज़ वेरी पेंड इन साइड स्टिल फिर ये एनिमल कम्युनिकेटर ये डेटा डॉग ओनर को बताता है नारायणी वो डॉग ओनर हैरान हो जाता है कि इट एक्चुअली हैपन लाइक दैट कि ये बहुत स्मॉल बेबी था और इसी मदर से हम इसको ले आए थे सो फैक्चुअली दीज थिंग्स हैव बिन प्रूव्ड सो द इंटायर एनिमल किंगडम विच इज मच मोर देन अस ऑन अर्थ दे आर एज कॉन्शियस एज वी आर दब्सुलटली नो डिफरेंस बेस्ड ऑन दिस रिसर्च बेस्ड ऑन दिस फैक्ट बेस्ड ऑन दिस डेटा बट दमाउंट ऑफ पेन दैट हैज बीन कॉज्ड ऑन दैम बिकॉज ऑफ आर वेज इज एन नॉर्मस ये वो डोमेन है जिनमें आमतौर पर हम घुसते ही नहीं ना हमें तो क्या लेना देना कि जानवरों के साथ क्या हो रहा है

एट दिस पॉइंट सो थिंक अबाउट इट दिस वे लेट से तुम जिस नेबरहुड में रहते हो जिस बिल्डिंग ब्लॉक में रहते हो वहाँ सभी लोग सिख हैं और सभी लोग सफरिंग में हैं वट विल हैपन टू यूर ओन हाउस देन विल यू नॉट बी इन सफरिंग मेंटल फिजिकल इमोशनल इफ एवरीबडी अराउंड यू इज दैट इज वट हैपन इन डेली इन करोना नो वो कलेक्टिव फियर और कलेक्टिव सफरिंग इतनी ज्यादा थी कि जो लोग स्वस्थ भी थे दे वर ऑल्सो इन डीप पेन एंड एगनी एंड फियर, बिकॉज जो कलेक्टिव माहौल में होगा वो तुम्हारे भीतर घुस जाएगा दिस इज हाउ ह्यूमन लाइफ वर्क आर ऑल कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स अराउंड अस दिस मास स्केल ऑफ इनजस्टिस एंड सफरिंग विच इज हैपनिंग टू ऑल द स्पीशीज बिकॉज ऑफ

वट एवर सीज वी सो इन आर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दे कम बैक टू अस सो विकॉज माई थ्योरी दिस इज हाउ एंड दिस इज वाई दो मच सफरिंग नेचर हैज़ नो द वे टू वॉन अस कि जाग जाओ क्या कर रहे हो तुम ये और उस एनिमल कम्युनिकेशन में बहुत खूबसूरत बात निकल के आई मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर नॉट रियली वांटिंग एनीथिंग फ्रॉम अस दे डोंट वांट कि हम उनको खाना खिलाएं सड़क पे जाके हम उनको रेस्क्यू करें सड़क से जाके दे डोंट वांट दैट या हम गर्मी में चिड़ियों के लिए पानी रखें दिल्ली की बैलकनी में इफ़ यू डू दैट दैट्स रियली गुड बट दे डोंट वॉन्ट दैट फ्रॉम अस यू नो वट दे वॉन्ट यू विल बी सरप्राइज वन यस

डो नॉट फील डो नॉट थिंक कि यह पृथ्वी सिर्फ तुम्हारी या सिर्फ तुम्हारा अधिकार है रहने का एक्नॉलेज एस ऑल्सो वी आर मोर देन यू इन नंबर्स बट दे आर वेरी कम्पेशनेट एट द सेम टाइम इमेजन इफ ऑल द डॉग्स ऑन दी अर्थ अगर उनको गुस्सा आ जाए सबको हमारी हरकतों पर एंड दू चार्ज टू अस दे मच मोर इन नंबर्स एंड आई एम जस्ट टॉक एम बट डॉग्स इमेजन अगर ये सभी और प्रजातियाँ कलेक्ट होकर उनको गुस्सा आ जाए हमारे ऊपर What are you doing? Enough of it. Imagine if they wage war against us. Imagine if plant kingdom wages war against us, saying that you guys are idiot. What will happen? Firstly, decide. Because of your unconscious atrocities on us, what will happen? Unfortunately, these are the things we don't even think about. We don't even acknowledge there is something here. There is something here. And it is all forms of life. As I am saying, there, if they can communicate back to us, meaning they have the same consciousness that we have, they have the same emotions and feelings that we have, even the plants. If you search on Sir JC Bose the famous indian scientist who did a lot of phenomenal amount of work on plant life plant thoughts plant emotions they are talking to you as we are talking with each other